हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको आप शानदार से एक फायर क्रेकर मशीन बनाकर दिखाने वाला हूं। और वो यहां पे रिमोट से कंट्रोलर होगा, तो उसको बनाने के लिए हमने ले लिया है यहां पे कॉपर का वायर। आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वायर ले सकते हैं। गाइस, इसको ज़्यादा पावर देना है तो इसको आप हैवी वायर यूज करना इसमें। तो इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो ये वायर है इसको सबसे पहले खोल लेते हैं, और जो इसका लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना दूर आपको पटाखा को रख करके इसको चलाना हो। तो हम सबसे पहले वायर जो है इसको निकाल लेते हैं। तो हमने दोनों वायर को यहाँ पे खोल लिया है, और जो वायर था एक में था इसको हमने कटिंग करके दो पीस कर दिया है, और दोनों के जो साइज़ है वो सेम रखना है। इसे ले लेंगे एक पीस यहाँ पे वायर कनेक्टर, और ये चीनी मिट्टी वाला है, प्लास्टिक वाला नहीं है, आपको प्लास्टिक वाला यूज़ नहीं करना है। और इसका क्या यूज़ है कि जो वायर है एक साइड से इसका हमें कनेक्शन कर देना है इसमें, तो दोनों पॉइंट पर लगा करके और इसको हम टाइट कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जब हम इसके में नाइक्रोम वायर लगाएंगे तो उससे शॉर्ट होकर जो वायर है वो गलेगा नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पे चीनी मिट्टी का यूज़ करें। आप प्लास्टिक यूज करिएगा तो गल जाएगा, तो आपको उसका यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे अच्छे तरह से वायर दोनों टाइट हो चुके हैं। फिर ले लेंगे एक पीस स्विच, और डोर बेल वाला स्विच है, तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें एक पीस स्विच मिल जाएगा और एक पीस नट बोल्ट, हमें नट बोल्ट का काम नहीं था, इसको इसमें रख देंगे और इसी का काम है। तो ये डोर बेल स्विच क्या होता है गाइस, जब तक इसे पकड़े रहेंगे तब तक पावर जाएगा, अब छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगा, तो गाइस जो ये वायर है मेल्ट नहीं होगा, ज़्यादा हीट नहीं होगा, तो इसी का यही काम है। और फिर से हमें इसका कनेक्शन है, तो इसका कनेक्शन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर साइड से हमारा पावर आएगा मेन पावर, और यहाँ पर नीचे साइड से हम इसका आउटपुट पावर लेंगे। इसमें का जो एक वायर है इसका हमें इसमें कनेक्शन कर देंगे, तो नीचे वाले पॉइंट पे इसको हम जोड़ लेते हैं। और गाइस, आपको नीचे ऊपर इसमें नहीं करना है, आपको नीचे ही जोड़ना है, नहीं तो ये जो डोरबेल स्विच है वो वर्क नहीं करेगा, इसमें से पावर आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे हमने टाइट कर दिया है, और दूसरा वाला यहाँ पे इनपुट हम यहाँ पे पावर देंगे। इधर ले लेंगे एक 12 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे ये लीडरशिप बैटरी का हम यूज़ कर रहे हैं, और ये 12 वोल्ट और 7 एम्पेयर की है, और आप इसके जगह पे कोई भी बैटरी यूज कर सकते हैं। और आप इसमें 3.7 वोल्ट के भी लिथियम आयरन बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, हमें अधिक पावर देना है इसमें, तो इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा भी। इसका जो इसमें वायर है ये वाला लगा हुआ है, तो हम इसी से आप कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें आप इसमें बैटरी में मोटा वायर यूज़ कीजिएगा, जैसे कॉपर का हमने यूज किया है, बस आपको टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हम इस तरीके का वायर यूज कर रहे हैं। तो इसको छील करके और जो रेड वाला वायर है इसको इसमें जोड़ देंगे, ब्लैक वाला वायर है वो जो दूसरा वायर है उसमें जोड़ देंगे, तो दोनों में कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो हम वायर को यहाँ पे ऊपर साइड में लगाना है हमें, नीचे साइड में हमने दूसरा वायर लगाया है, तो इसको हम ऊपर साइड में लगा करके और जो इसका नट है इसको पेचकस की मदद से घुमा करके और इसको टाइट कर देंगे। और जो ब्लैक वाला वायर बचा है, जिस तरीके से हमने बताया है कि इसको दूसरे वायर में जोड़ना है, तो उसी तरीके से इसको भी इसमें लपेट देना है, और इसको हम खुला नहीं छोड़ेंगे। इसमें हम यहाँ पे टेप लगा देते हैं, तो आप कोई भी टेप का यूज़ कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक टेप का यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्लैक कलर में। तो इसको यहाँ पे लगा करके और टाइट कर देते हैं। और गाइस, आपको जो स्विच है उसको आपको एक बॉक्स में लगाना है, हमने ऐसे ही यहाँ पर लगा दिया है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको यूज़ नहीं करना है, एक बॉक्स ले लेना है और उसमें इसको ला करके अच्छे तरीके से सेट करके यूज करना है। तो यहाँ पे पूरा कनेक्शन तो हो चुका है, सच चाहिए नाइक्रोम वायर जो कि हम यहाँ पे दोनों पॉइंट पे लगाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है, तो इसमें आपको ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस दिख जाएगा जो कि दो पीसेस में लगा होता है, तो आप इसको स्क्रैच करके और नाइक्रोम वायर इसमें से निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो जो एलिमेंट आता है प्रेस का उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें इस तरीके का भी आता है, आप इसका इसमें से निकाल करके यूज कर सकते हैं, या फिर एक ये यहाँ पे राउंड में आता है, आप इसमें से निकाल के यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई का भी यूज नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जो रूम हीटर रॉड आता है उसी में का यहाँ पे ये नाइक्रोम वायर है, और इसको हमने यहाँ पे देख सकते हैं पीसेस में कटिंग कर लिया है, तो इसी में से हम एक पीस छोटा सा यहाँ पे लगा देंगे उसमें। तो हमने निकाल लिया है, और इसको क्या करने के सबसे पहले हम इसको इस तरीके से गोल राउंड में यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेंगे, और उसके बाद इसको उसमें लगा देंगे। तो हमने इसको यहाँ पे नाइक्रोम वायर जो है उसको लगा लिया है, तो ये यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इसको बना कर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसकी हम यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम टेस्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे जो स्विच था ये खराब था, तो हमने लगा दिया था, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके जगह पे हम यहाँ पे पुश स्विच का यूज कर रहे हैं, आप इसके यूज करना, तो ये हमें हमारे पास यहाँ पे ख़राब हो गया था ये, तो हम इसका न यूज करके हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो हमें इसका कनेक्शन करना जैसे उसमें किया था हमने कनेक्शन, उसी तरीके से इसमें भी जोड़ लेंगे, और एक वायर जोड़ करके और यहाँ पर दूसरे वायर में यहाँ पे कॉपर में जो ये वायर है मेन इसमें कैसे हमने वायर को फैला लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वायर यहाँ पर हम स्विच को कर दिया है, और यहाँ पर दूरी पर यहाँ पर बैटरी को रख लिया है।
और जो यहाँ पे वायर कनेक्टर है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे हम जब पटाखा लगाएंगे तो यहाँ से बजेगा। इसके साथ हमने ये वाला पटाखा लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है, और इसमें से कुछ इसमें से हम निकाल लेते हैं बाहर साइड में। तो हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पे लग चुका है, इसके बाद यहाँ से हम हट जाते हैं दूरी पे। इसका जो स्विच है यहाँ से हम ऑन करते हैं, तो आपको वहाँ साइड में दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से ऑन करते हैं, वहाँ पे हीट होगा तो बच जाएगा। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी नाइकन वायर यहाँ पे ठीक है, तो आप इसको चला सकते हैं।